अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ स्टार्ट होने लग गई हैं और मार्केट में हर जगह आंवले इजीली अवेलेबल हैं, तो क्यों ना आंवले का मुरब्बा बनाया जाए। और जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं, आंवला हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिंस होते हैं। ये एनीमिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ईजिली बन जाता है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए बस आपको मार्केट से आंवले लेके आने हैं और बाकी चीज़ें आपको घर में इजीली मिल जाएंगी। बस थोड़े बड़े साइज़ के आंवले लीजिएगा। हमने 250 ग्राम आंवले लिए हैं और 250 ग्राम चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बस इतना याद रखिएगा, दोनों सेम क्वांटिटी के लेने हैं। 2 टेबलस्पून हमने काला नमक लिया है और 2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, और साथ में 2 से 3 चुटकी इलायची पाउडर चाहिए, वो ऑप्शनल है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और उसे बॉईल होने देंगे। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, तब तक हम आंवले में एक फोक की मदद से, देखिए, इस तरह से छेद कर देंगे अंदर तक बराबर बराबर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम चाशनी बनाएंगे तो वो चाशनी आंवले को अंदर तक मीठा कर देगी। देखिए, इस तरह से एहतियात से छेद करिए, सारे आंवलों में इस तरह से छेद करने हैं। देखिए, हमारे आंवले सारे रेडी हैं और जब तक हमने इसमें होल किया तब तक हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है। अब हम सारे आंवले पानी में डालेंगे और इसे 20 मिनट तक पकाएंगे ढककर। 20 मिनट में ये आंवले अच्छे से पक जाएंगे। और अब 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे गुलाब जामुन रसगुल्ले टाइप के लग रहे हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बतानी थी कि जब भी आप आंवला पानी में बॉईल करते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें ना, या तो फिटकरी ऐड कर देंगे या फिर कुछ चूने के पानी में से बॉईल करेंगे। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, उससे आंवले के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आंवले का मुरब्बा बनाने का फ़ायदा ही क्या जब आपको उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म करने हैं। तो हमने सारे आंवले निकाल लिए हैं और फौरन इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे और इसको फिर हम ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और अब मिलते हैं आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो चुका है, चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक कढ़ाई में इसे डाल देंगे और गैस को स्लो कर देंगे और इसे पकाएंगे। अब हमें बेसिकली चाशनी बनानी है। अब हम चीनी को मेल्ट होने देंगे 15 से 20 मिनट तक। ध्यान रखिए, इसे बीच बीच में चलाना ज़रूरी है, इससे चाशनी आंवले में अंदर तक पहुंच जाएगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से एक तार बनने लगा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम 1 से 2 चुटकी इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप मत डालिएगा, पर इससे क्या होता है, आंवले में मुरब्बे में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस हमारे आंवले का मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसे 1 से 2 दिन एक एयरटाइट कंटेनर में, या तो हम धूप में रख देंगे या फिर आप घर में अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आंवले का मुरब्बा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फिर जाइए जल्दी से मार्केट और लेके आइए ढेर सारे आंवले और बनाइए आंवले का मुरब्बा हमारी रेसिपी से। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।